स्टूडेंट वेलकम टू परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा। माई सेल्फ कृतिका भाटिया, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट नेम इज़ सोशल स्टडी, यूनिट फोर एंड चैप्टर नेम इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म इज लैंड मीन्स धरती धरा या स्थल बोल सकते हैं, एंड फॉर्म मीन्स रूप। आपने आई थिंक साइंस में पढ़ा होंगे फॉर्म्स थ्री टाइप्स के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड वाटर वेपर, राइट। उसे हम क्या कहते हैं? रूप। ओके, सो द लैंड फॉर्म मीन्स स्थल रूप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द अर्थ डज नॉट हैव एन इवन सरफेस, वाइल सम पार्ट्स आर फ्लैट अदर आर राइज्ड। This variation in the physical forms of the earth is called relief. आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है उसका जो सरफेस है वो अनइवन है, मतलब ऊंचा नीचा है, फ्लैट नहीं है। ओके, पर कोई कोई पार्ट इसका ऐसा है जो फ्लैट है और कोई इसका ऊंचा नीचा बना हुआ है। इसमें ये वेरिएशन इसके फिजिकल फॉर्म्स के रूप में आता रहता है, जिसे हम कहते हैं रिलीफ। रिलीफ मीन्स ऊंचे नीचे बनने वाली पैटर्न। ओके, सो लैंड फॉर्म्स आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ, लाइक माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन, डेजर्ट एंड रिवर्स आर द मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। सो डियर स्टूडेंट, वॉट इज द मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ? द माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन, डेजर्ट एंड रिवर्स। सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द माउंटेन्स। माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म दैट राइज हाई अबाउट इट्स सराउंडिंग लैंड। इट इज मेड ऑफ रॉक एंड अर्थ। Usually mountain are more than 900 meters above the mean sea level. Mountain vary in height and shape. They have steep slope and rounded of the conical peak. A group of mountain joined together is called range or chain. जहाँ पे mountain की range बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे mountain इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम कहते हैं range. Okay? रेंज ने और कुछ लोग उसे कहते हैं चेन। ओके, सो टू एग्जांपल ऑफ द माउंटेन रेंज आर एंड्स इन साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो द लाइंस ऑन रेंज फ्रॉम माउंटेन बेल्ट एंड विच मे एक्सटेंड फ्रॉम हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन टेल देयर एज। जो इसकी हाइट होती है और इसकी जो शेप होते हैं ये माउंटेन की एज बताते हैं, ये कितने साल पुराने हैं और कब बने हैं। ओके, सो द यंग माउंटेन लाइक, तो अभी का जो सबसे यंग माउंटेन है वो कौन सा है? हिमालय। ओके, बिकॉज द हायर एंड हैव पॉइंटेड पीक। ओके, एंड द ओल्डर माउंटेन लाइक द अरावली हैव राउंडेड पीक एंड आर नॉट सो हाई। इसकी जो पीक है अरावली की, उसकी वो जो पीक है वो राउंड शेप में है। ओके, और उसकी कोई हाइट नहीं रही अब। और हिमालय की पीक अभी बहुत ज़्यादा ऊंची है, हाई पे है, और उसकी जो पॉइंट है वो पॉइंटेड बनी हुई है। ओके, उसकी पीक, इसलिए वो यंग है। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। अब हम पढ़ते हैं कि माउंटेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो द माउंटेन रेंज आर नेचुरल बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स बाधा है, जो प्राकृतिक बाधा है, राइट। सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्श, हॉट एंड कोल्ड। ये हमें प्रोटेक्शन देता है किससे? कठोर, हॉट मीन्स गर्म एंड कोल्ड मीन्स ठंडी हवाओं से। ओके, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी, जो कभी भी आके आक्रमण, जैसे जो भी जंगली वाला एरिया होता है वहाँ पर जानवरों का आक्रमण होता है, कुछ लोग जो उन जानवरों का शिकार करते हुए आते हैं, तो उन इन्वेडर्स से ये लोग हम ये माउंटेन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो रिवर्स ऑरिजिनेट हेयर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। जो रिवर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई करने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये हमें पानी की सिंचाई करने, पानी हमें देते हैं और सिंचाई करने के लिए। एंड अदर डे टू डे नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग नियर दैम। सो जिस तरह से इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, तो दिन पर दिन लोग इधर इनके आसपास रहने लगे। मैनी माउंटेन डिस्ट्रिक्शन आर फॉर्म्स फॉर हॉलीडे, रिसोर्ट, वर्थ सीकिंग एंड माउंटेनिंग कैन बी इंजॉयड। द कूल क्लाइमेट इन समर अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। इसीलिए यहाँ के जो माउंटेन्स इतने अट्रैक्टिव होने के कारण लोग यहाँ पे हॉलीडेज बनाने आते हैं, रिजॉर्ट इसलिए यहाँ पे बने हैं। सो माउंटेनिंग मतलब जो माउंटेन पे चढ़ने की चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं माउंटेनिंग। ओके, सो लोग ये इंजॉय करने के लिए, क्लाइमेटिक समर के टाइम पे यहाँ बहुत ठंडा होता है,
इस वजह से लोग माउंटेन वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे वहाँ पे हॉलीडेज बनाने के लिए अक्सर आया जाया करते हैं। ओके, सो मैनी माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, कुछ माउंटेन मिनरल्स के लिए रिचेबल। ओके, सो रॉक्स फ्रॉम माउंटेन्स मेक एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ माउंटेन हैव रिच पास्चर लैंड्स एंड फॉरेस्ट। इसके अलावा जो एक रिच पास्चर है वो लैंड है उसका और उसका फॉरेस्ट एरिया है। ओके, सो एग्रीकल्चर नॉट बी प्रेसिसाइड और अ लार्ज स्केल एज द माउंटेन्स हैव हिम सोइल कवर। एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो काम करने की जो पूर्णता है वो पुनिपूर्ण है ना। सो इसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू अनसुटेबल क्लाइमेट। क्यों? क्लाइमेट कभी भी बदल जाता है। ओके, शॉर्टेज होती है लैंड, डिफ़िकल्टी होती है ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, एंड द रीज़न इज थिनली पॉपुलेटेड, और यहाँ का जो रीज़न, यहाँ क्षेत्र है वहाँ पे कम लोग बसते हैं, सो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता है। सो रीड टू नो, द हाइएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ आर अंडर द सी, मोना लुआ। ओके, एंड इज वन ऑफ द सच माउंटेन इन द पैसिफिक ओशन, इट्स पीक फॉर्म एज आइलैंड। ओके, नेक्स्ट इज द हिमालयस इज इन एशिया इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक, इट वॉज द फॉर्म अबाउट द 60 million ईयर्स एगो। ओके, नेक्स्ट इज प्लेटो। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द माउंटेन एंड सेकेंड इज प्लेटो। प्लेटो इज द हायर लैंड एरिया विद द फ्लैट टॉप। ओके, ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड बिकॉज ये फ्लैट होने के कारण इसे एक टेबल की तरह ही हमें दिखता है ना, तो इसे हम कहते हैं टेबल लैंड। तो द सर्फेस ऑफ द प्लेटो ऑफ ऑफन कट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ होती है ना, नदी से ज़्यादा रिवर से ही निकली होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीम। सम प्लेटोज लाइक द डेक्कन प्लेटो, यू नो अबाउट दैट, इन इंडिया आर लार्जर एंड द एक्सटेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, एंड सम प्लेटोज लाइक द प्लेटो ऑफ तिब्बत आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज फ्रॉम ऑल साइड। प्लेटोज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड द फोर एग्जाम्पल, द कोलोराडा प्लेटो इन द यूनाइटेड स्टेट मतलब US, एंड द बोलीवियन प्लेटो इन साउथ अमेरिका, एंड द प्लेटोज ऑफ अंटार्कटिका, अरेबिया, आयरन एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ओके, सो रीड द मोर नो, द प्लेटोज ऑफ तिब्बत इज द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड एंड इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो हियर द फीलिंग द ब्लैंक्स, यू फील द आंसर्स। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटोज, प्लेटोज की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम जानते हैं। लो प्लेटोज आर ओपन फार्मिंग रीजन वाइल हाई प्लेटोज आर यूजली सुटेबल फॉर लाइव स्टॉक ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स घास है ना, ऐसे सूखी जो घास होती है उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग, जहाँ पे घास बनती है उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग। ओके, एंड सम प्लेटोज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, सो माइनिंग इन द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द प्लेटोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखो उसमें किस तरह से मिनरल्स होने के कारण भी वहाँ पे ऑक्यूपेशन पॉसिबल नहीं था, कहाँ पे? माउंटेन पे। बट जो प्लेटोज है वहाँ पे जो मिनरल्स हाई होने के कारण प्लस फ्लैट सरफेस है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन आसानी से हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम प्लेन्स पे। ओके, प्लेन्स मीन्स मैदान। ओके, प्लेन्स आर अ बोर्ड फ्लैट एंड लो लेइंग सरफेस ऑफ लैंड। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। ओके, निचला भाग, निचली सतह बोल सकते हो आप, है ना। सो द लैंड ऑफ अ प्लेन इज मोस्टली इवन एंड समटाइम्स इट मे बी स्लाइटली हिली, है ना। सो मोस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड आर फॉर्म बाय द डिपॉजिट ऑफ रिवर्स। ओके, जितने भी प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ क्या रिवर ही होती है जो वहाँ पे बहती है। फॉर एग्जांपल, द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया एंड द रिवर डिपॉजिट सैंड, मड एंड स्लिट। सैंड का मतलब आपको पता है, मड का मतलब मिट्टी होती है, और स्लिट का मतलब होती है रेत, जो पानी में, जो रिवर्स में, जो नदियों में रेत होती है ना, उसे हम कहते हैं सिलिट। ओके, एंड दैट दे कैरी ऑन देयर बैंक, जो हमारी जो रिवर बैंक होती है वो कैरी करके हमेशा उसके पास रखती है। दिस डिपॉजिट फॉर्म प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एज दे आर फर्टिलाइज। ओके, ये उनको जो वहाँ के लोगों को थे उनको बहुत मोटी सतह के रूप में मिलती है। ओके, सो द बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट बाय द रिवर लाइफ इज ईजियर टू कंपेयर टू दैट ऑन माउंटेन, है
है ना। तो यहाँ पे जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है प्लेन मैदान में, लाइक माउंटेन से ज़्यादा अच्छा है ना। माउंट एक हिली प्रदेश है राइट, तो वहाँ पे रहना और वहाँ पे ऑक्यूपेशन करना और बाकी सारे वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर जो प्लेन सतह होती है, मैदान वाला भाग होता है, वहाँ पे इजीली होने इजी सब हो जाता है ना। वहाँ पे आपको हर एक प्लेन्स में आपको रिवर्स का तो सहारा मिल ही जाता है, और उनकी घनत्व का के कारण जितने भी हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें होती है वो आसानी से मिल जाती है ना। चलो आगे, प्लेन मे बी फाउंड अलोंग अ कोस्ट ऑफ आइसलैंड। अ कोस्टल प्लेन इज अ स्ट्रेच ऑफ लो लैंड अलोंग द सी कोस्ट एंड विच शेयर स्लोप टुवर्ड द सी, एंड द अटलांटिक कोस्टल प्लेन इज गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज। ओके, एंड द वेल पॉपुलेट कोस्टल प्लेन इट लाइज अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड नोवा स्कोटिया टू फ्लोरिडा। ओके, सो इनलैंड प्लेन्स मे बी फाउंड एट हायर अल्टीट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। सो वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन? द प्लेन्स आर एरिया दैट द यूजली वेल पॉपुलेट बिकॉज द सॉइल एंड द टेरियन आर गुड फॉर फार्मिंग राइट, एंड एग्रीकल्चर बिकम द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। ओके, सो रोड एंड रेलवेज आर इजली बिल्ड बिटवीन द रूरल टाउन्स एंड सिटी, एंड most of the big cities and towns are found in the plain, and the large industries such as textile, automobiles, iron, steel, and have the development in the plains because the connectivity and transport facility. Okay, so thick forests usually thieves and on the plains, in humid climate, grassland covered dry plains, and the such as the great plains in the United States, and coastal plains or region are ideal fishing site. Okay, सो नेक्स्ट इज़ डेजर्ट। यू नो अबाउट द डेजर्ट एरिया राइट, जो रेगिस्तान होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। डेजर्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक हॉट होता है और एक कोल्ड होता है। हॉट वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसे हम हॉट डेजर्ट कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बर्फ़ वाला इलाका उसे हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। ओके, सो डेजर्ट आर द बेरियन लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट एक बंजर जगह होती है ना, बैरन मतलब बंजर है ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से उगने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। रेतीला भाग होने के कारण इसे हम कहते हैं बंजर। ओके, और यहाँ बहुत कम बारिश होती है। द रीजन हैज़ द एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। ओके, सो द डे आर हॉट एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड। सैंडस्टॉर्म मतलब जो तूफान होता है, ओके, आर कॉमन इन द सीजन, एंड सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड आर इट्स मोस्ट कॉमन फीचर्स। Most deserts have small areas of water where plants grow and the people live. Okay, and such a place is known as an oasis. Oasis is marusthal, marudhi या मरुस्थल बोल सकते हैं ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, है ना, ना ही कोई चीज़ें हम जैसे हम ना ही खेती कर सकते बंजर ज़मीन पे, इसलिए हम उसे कहते हैं मरु, मतलब जो मर गई है ना, तो उसे हम कहते हैं oasis. Okay, so read to know. Like hot desert, we also have cold desert on the earth. Sahara in Africa is the largest hot desert, covering the maximum surface area among all the hot desert. Okay, and cold desert is Antarctica is the largest cold desert in the world. Next is river. Okay, so river is a natural channel, right? Usually of the fresh water that flow toward the oceans, lakes, and sea and another rivers. Okay, so river usually started high up in the mountain and is the follow the carry rain water and melted ice and snow from the mountain to the plains, lake and sea. Majority of rivers flow into the larger water bodies like an ocean, sea or larger lake. So the end of a river is called of its mouth. जो इस रिवर का एंड होता है उसे हम कहते हैं रिवर का माउथ। माउथ मतलब मुंह। ओके, सो अ रिवर पासेस थ्रू थ्री स्टेज, विच वन इज द अपर स्टेज, सेकेंड इज मिडल स्टेज एंड द लोअर स्टेज। सो द जर्नी ऑफ द रिवर, फर्स्ट स्टेज द अपर कोर्स बोलते हैं उसे, सॉरी, अ मेजोरिटी ऑफ रिवर ओरिजिनेट मतलब जहाँ से बनती है फ्रॉम माउंटेन इन दिस कवर्स course the river has very little water. Okay, and as the flows down the slope it gains speed and cuts the deep valleys.
and waterfalls form at the stage. For example, river Ganga originate at Gangotri and flow down the slope till Haridwar. जो रिवर गंगा है वो गंगोत्री से होकर निकलती है, राइट, और उसका धीरे धीरे स्लोप में बहते बहते वो कहाँ तक चले जाती है, हरिद्वार से. ओके, ये फर्स्ट स्टेज है. सेकेंड स्टेज ऑफ द मिडिल कोर्स, द एंटर ऑफ द मिडिल कोर्स, द एंटर द प्लेन्स, प्लेन्स से होकर निकलती है. ओके, और जो रिवर फर्स्ट वाली जो हमने पढ़ी थी, मेजोरिटी वाली रिवर्स फर्स्ट स्टेज अपर, तो वो रिवर माउंटेन से निकलती है. ओके, उसके बाद माउंटेन से होते होते वो कहाँ पर आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है. सो द एज द रिवर नाउ flow on flat surface and the speed less and the river now meanders and forms loops. okay, meanders means टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना. okay, या नदी के आसपास होता है ना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसे हम कहते हैं meanders. okay, form loops. and for example, river Ganga has this course between Kanpur and Prayagraj. जैसे हरिद्वार से निकलती है, उसके बाद वो धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से होते होते ट्रेन से होते हुए कानपुर और प्रयागराज तक पहुंच जाती है. ओके, एंड द थर्ड सेट ऑफ द लोअर कोर्स, द एंटर द लोअर कोर्स एंड द जॉइन द बीकर वाटर बॉडी, राइट. फॉर एग्जांपल, सी द स्पीड ऑफ द रिवर इज एक्सट्रीमली स्लो एंड द डिवाइडेड इनटू मेनी चैनल्स. जो सी से मिलती है उसके अधिक रिवर बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू मेनी चैनल्स. दिस फॉर्म इज डेल्टा, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा. और ट्राइंगल शेप, जो तीन नदी बोलते हैं ना, तीन नदी साइकिलों से मिल गए उस तरह से होता है, जो थ्री एंगल्स पे कट हो जाती है ना, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगुलर इन शेप, जिसे हम डेल्टा कहते हैं हमारी भाषा में. सो नियर द माउथ ऑफ द रिवर, जो रिवर होती है उसके एंड तक पहुंचने में उसकी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, रिवर गंगा फॉर्म अ डेल्टा एस इट्स फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल. उसके बाद ये एंड में जाके कहाँ से मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर ये डेल्टा बनता है. ओके, so here we finish our chapter. Here the new words of this chapter, arid means very dry, barren land, the land where nothing grows. Meanders means to curve or let rather than being in a straight line. Okay, and point to the remember of this chapter, let's revise. The earth is made of the land and water. Landforms are natural features of the earth, and the mound Mountains is the land form that rise high above the surrounding, and a group of mountain is called range and lies of range from mountain belt. A plateau is also called a tableland, and plains are called lowland that have rich and fertile soil. The agriculture is the main occupation. Desert are barren land that hardly receive rainfall. Okay, and the river passes through three stages, which one is the upper, middle and lower. So dear student, here we finish our chapter 4, the major landform. Okay, so I hope you like the chapter. See you soon, we meet you again, take care, bye bye.